हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस ब्लॉग को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहता हूँ कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज है 15 अगस्त। तो बंसी भैया, आज हमने जो है क्या एंजॉय किया, जरा आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। हमने जो झंडारोहण का जो झंडा रैली थी वो निकाली, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही गजब का प्रोग्राम था आज का। तो दोस्तों, अगर आपने उस प्रोग्राम को नहीं देखा तो उसका मैंने बहुत बढ़िया व्लॉग डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप लोग बस क्या करना है, इससे पिछली वीडियो को देख रहे हैं और आपको मजा आ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं हमने। तो मैं बताता हूँ आपको आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और कल सुबह काफी सारी रैलियां निकलने वाली है। तो हमारा एक दोस्त है ईश्वर नाम का, आप लोग जानते हैं उसको पहले से, ठीक है। तो उस बंदे को हमेशा चुल रहती है कुछ ना कुछ करने की। तो हमको बोला कि भाई यार, रेस क्लब की रैली निकल रही है, हमारा एक जयपुर का रेस क्लब है कार्स का, लग्जरी कार्स का, तो बोला वहां पर रैली निकल रही है तो कल अपन लोग चलते हैं। तो मैंने शुरुआत में तो मना किया, लेकिन वो बंदा बहुत शातिर है, उसने मेरे को मना लिया कैसे भी करके। और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को पिकअप करने के लिए, हम लोग लेने जा रहे हैं एक सीक्रेट कार। तो आपको दर्शन बताया कि कौन कौन से दोस्त हैं हमारे, क्योंकि कल हम लोग दो गाड़ियां लेके जाएंगे, एक तो अभी जो अपन लोग पिक कर रहे हैं और एक जो अपना पहले से है थार, ठीक है। तो दो गाड़ियां लेके जाएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं कल के लिए। तो कौन कौन जा रहा है दर्शन, जरा बताइए आप। तो कार्तिक कल अपने साथ अपने खास दोस्त ही आ रहे हैं। वैसे देखो, हमने किसी को सामने से फोन नहीं किया कि आओ आओ, वरना फिर कुछ कुछ रह जाते हैं, बुरा मानते हैं। इसलिए जिन जिनका फोन आया था खुद से ही, भाई 15 अगस्त का क्या प्लान है, ये वगैरह उनको बता दिया ऐसा ऐसा है, तो माना चाहो तो मोस्ट वेलकम। तो अपने गिन चुन के साथ 5-7 भाई हैं, टू में अपन 4 हो गए, एक उधर गुंडा हो गया, अयान हो गया, मोइन हो गया, आफ्ताब हो गया, और ईश्वर आएगा तो आएगा, उसका पक्का नहीं है। बस अपने इतने दोस्त हैं। तो इतने दोस्त दो गाड़ी में फिट आ जाएंगे। अब बात कर रहा है यार, अपनी जो सीक्रेट गाड़ी है उसको 5-सीटर है या फिर 2-सीटर है? नहीं, 5-सीटर होगी मेरे। हाँ, 5-सीटर ही है। 5-सीटर तो वो और थार में 4 हो गए ना, तो आराम से आ जाएंगे। ऐसी भी खास गाड़ी नहीं है, ठीक ठाक सी गाड़ी है। सुबह रिवील करेंगे, नहीं दिखाएंगे अभी, क्या करेंगे अभी इंटीरियर दिखाएंगे। उसका वो होता है ना, जो अपना स्टीयरिंग का वो होता है सेंटर, लोगो होता है, वो छुपा देंगे। पहले तो रुको, पहले तो ये ऐसे मनुष्य की पड़े रुद्र, सो भी क्या रुद्र ओए, ओ भाई जगले, ओ भाई गाड़ी आ गई अपनी सामने देख। ये भाई पिछले 2-3 से ही है, सब उसका सामने में चला गया। चलिए, ओ आज क्या हुआ, रुद्र रुद्र को किसी ने ये दे दिया, इसलिए रुद्र मनुष्य हो गया। किसने दिया ये, सोने दे यार, बताओ से क्या हो गया था ये, बहुत मतलब 2 घंटे से दुखी दुखी सा लग रहा है, क्या हो बताओ सही। नहीं खा ले तो बताओ से, देखो बुरा भी, देखो बुरा भी फील हो रहा है, बताना क्या बुरा हो रहा है, क्या हो गया भाई, डांट लग गया। दोस्तों जिसने नहीं सुना, बहुत धीरे बोला ये डांट खा के आया घर से। ला देखो पत्ते खिलवा, जा आजा पत्ते खिलवा, खेलने नहीं आता। दोस्तों पिछले 2 दिन से रुद्र को मैंने अपने साथ रख रखा है, इसके मम्मी पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं, और ये 3रा दिन चालू हो गया है और रुद्र अभी भी मेरे साथ में है। रोज घर पे रहता है तू, तो कुछ उखाड़ लो ना मेरे। नहीं देखो, मैंने बताया घर, लेकिन अब जो 3 दिन तू हमारे साथ था वो फायदा हुआ नहीं हुआ उसका। ऐसा नहीं कि यार भाई, देखो मैं घर पे पढ़ पढ़ के आया था, ऐसे ट्यूशन भी गया वगैरह 2 दिन वाला, पढ़ के नहीं पढ़ पढ़ के आया था बोल रहे। नहीं नहीं पढ़ाई करी थी। अरे छोड़ो अब यार, अब गाड़ी पिकअप करने चलते हैं। अरे बंसी भैया देखो, यार गाड़ी रोक के बैठे हैं, उनको लोकेशन बतानी है कहाँ से पिक करनी गाड़ी। चलते हैं, लेट हो रहे हैं। काम करते बंसी भैया, सबसे पहले आप एक बंद करके बताना है सीरियस बात। चलो ठीक है दोस्तों, 2 मिनट बाद बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी को पिक कर चुके हैं, बंसी भैया ने लोगो ढक लिया है गाड़ी का। तो बंसी भैया, कौन सी गाड़ी है, लोगों को बोलो गैस करने के लिए। गैस करके बताइए। पीछे अपने भाई दर्शिल भाई आ रहे हैं, पीछे थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा लाइट है ना, दर्शिल स्कॉर्पियो चला रहा है अभी फिलहाल, और बंसी भैया अपनी गाड़ी चला ही रहे हैं। ये बंसी भैया, ये स्कॉर्पियो बंसी आगे कैसे निकल गई, साले को पीछे छोड़ो यार, पीछे छोड़ो दर्शिल को, ये गलत बात है, छोड़ दिले, कर दो कर दो, एक सेकंड भी ज्यादा लगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगी। मेरे बाहर वो तो बहुत दूर छूट गया अब तो हमसे। यार बंसी भैया सनरूफ खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, खोल खोल सनरूफ को, रात में खोल के बाहर निकल रहा हूँ मैं, ठीक है। निकल जा मेरे बाहर, निकल, तेरा तो जलवा है। हो चिट्टा कुर्ता पजामा उतो जागता ने कैमो। तो दोस्तों अपनी प्यारी प्यारी 3 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है, ये कौन सी वाली गाड़ी है जल्दी से कमेंट करके बता दो। बंसी अब तक तो समझ गए होंगे, आप तो देख लिया हुआ, अब भी नहीं देखा तो फिर यार क्या ही बताएं। देख लिया भाई, ये देख सकते हैं अपना भाई कट्टा उठा रहा है, उठा भाई, भाई गले लगा इसको, एक बार गले लगा, एक बार कोशिश कर, अब उठा थोड़ा नीचे से, थोड़ा नीचे, या चल 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 चल, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, प्राण निकल गया क्या। ओहो 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 ओहो, शाबाश, क्या कह रहे हो पापा, गाड़ी ठीक आ गई क्या? हाँ गाड़ी तो एकदम बढ़िया, मजा ही आ गया पापा। और बताओ आज की रैली के अंदर हमने जो काम किया कैसा लगा आपको? शानदार, मजा आ गया।
तो आज जो है मैं मस्त एकदम व्लॉग डालूंगा, यूट्यूब पे भी सब लोग देखेंगे आपकी रैली को, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा। तो मेरे पापा को सब लोग बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखे कमेंट्स के अंदर। और चलो अपन लोग मेरे रूम में चलते हैं। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं, दर्शिल भाई ने देशभक्ति के गाने लगा दिए हैं। ओहो जय हिंद जय भारत। बंसी भाई अभी कच्चे के अंदर खड़े हैं, कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, बटन वटन लगा रहे हैं। ओ या या बॉय, नहीं यार मेरे रूम में परेड हो रही है। ओहो रुद्र ब्रो, गुड मॉर्निंग ब्रदर। ब्रश भाई कर, भाई कर रहा हूँ भाई। भाई देशभक्ति ब्रो, देशभक्ति जगह। जय हिंद बोल, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जल्दी रेडी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बाथरूम के अंदर जय हिंद बोल रहे हो। सुबह सुबह देशभक्ति का माहौल। कपड़े चेंज कर। क्या कपड़े चेंज कर, थोड़े नहाऊंगा मैं बाल समझा कर। तो एक घंटे बाथरूम में क्या कर रहा था? एक घंटे मैं आई वॉज बिजी वॉचिंग रील्स। रील्स देख रहा था, तो दोस्तों हमारा एक बहुत ही प्रिय मित्र आ चुका है भाई, आज बहुत मुश्किल से आया है। अच्छा मैं गेट खोलने भूल गया, ला जा भाई। मेरे भाई, मेरे भाई, जय हिंद मेरे ब्रो। ब्रो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रदर। भाई कोई नहीं, मैं अभी तैयार भाई, अभी हो रहा हूँ मैं, रेडी हो रहा हूँ, रुक जा। उठा भाई इसको, एक दो दो चाटे मार इसके, उठ ही नहीं रहे। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इतनी मोटी चमड़ी है, इतनी मोटी चमड़ी है इसकी, फर्क नहीं पड़ता क्या तेरा मोटी चमड़ी? अब मैं मार, अब मैं मारता हूँ। नहीं अबे ब्रश का पढ़ाई करने के लिए इसका है। अब देख ले कौन तैयार है। आपका पूरे भी मिला है आज। हाँ देश, ये अंदर देखिए हमारा मोटा दोस्त नानी की कोशिश कर रहा है। देश का भविष्य ब्रो, कैसा? मैं एकदम बढ़िया। और आयान भाई, और भाई, और आफ्ताब का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार। अरे तुम लोगों ने बंसिया को तो इग्नोर मार दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रेडी होके निकल लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी गाड़ी के अंदर यहाँ पे अपना जो दोस्त है रुद्र टू है, यहाँ पे आयान है और अपना भाई आफ्ताब है। आफ्ताब कहाँ गया? आफ्ताब गया भाई। कहाँ गया वो? नाराज हो गए तेरे से? अच्छा अच्छा, वो वहाँ थार में गया। अच्छा तो यहाँ पे दो ही भाई बैठे हुए अपने पीछे, ठीक है, और दूसरी गाड़ी अपनी सामने है। और ये कौन सी गाड़ी है अभी तक मैंने रिवील नहीं किया, तो अब इसे रिवील करने वाले हैं। पहले तो बंसिया टंकी फुल कराते हैं दोनों गाड़ियों में। दोनों टंकी फुल करा ली मेरे भाई, दोनों में टंकी फुल करा ली, नहीं कराते हैं। दोस्तों यही है वो हरामजादा जो हमारे को लेके आया ना यहाँ पे, यही है वो बंदा। भाई तेरे क्या जची थी कि तूने हमें बोला कि यहाँ रैली में चलते हैं? तुमको से बोला था, तुम्हारी ज्यादा जच रही थी, चलते हो चलते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं शुरुआत में मैंने मना किया था, फिर मैंने बोला मेरा भाई मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलना चाहिए अपन लोगों को। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने जो है बर्न आउट कर रही है गाड़ी। नहीं बर्न आउट नहीं कर रही, अब तो नुकसान कर रही है टायर्स का, टायर्स का नुकसान कर रही है। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं दर्शिल भाई जो है अपनी थार को सेट कर दिया ऑटो पायलट मोड पे। ये देखिए खुद चल रही है गाड़ी, टार्जन द वंडर कार बन गई है अपनी थार, यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर रही है थार खुद से। वाओ दर्शिल, ये ऑटो पायलट मोड तुमने कितने का लगवाया अपनी गाड़ी के अंदर? ये स्पेशल मॉडल ही, और ये लिमिटेड एडिशन में आता है। अच्छा अच्छा, लिमिटेड एडिशन में आता है, ओनली वन इन इंडिया है। ओनली वन इन इंडिया है, अरे वाह यार, तुमको कैसा लगा इसमें बैठ के? इतनी रेयर गाड़ी में क्या? बहुत टेस्ला, टेस्ला। तो हम लोग तो वहाँ पे थोड़ा घूम घुमा के कार के साथ में रैली वैली निकाल के अब निकल गए अपन लोग जयपुर के लिए। तो दोस्तों अब मैं और रुद्र ही बचे हैं ओनली, ठीक है। रास्ते में हमने हमारे भाई ईश्वर को तो स्कूल उतार दिया क्योंकि उसको उसके किसी दोस्त से मिलना था, और ठीक है ओनली फ्रेंड, ईश्वर को तो हमने वहाँ उतार दिया और मोइन भाई को उसके घर उतार दिया। और दर्शिल तो चलो SFS में खाना वाना खा के ऑफिस पहुंच गया है पापा के, ठीक है, और बाकी सारे दोस्त भी शायद ऑफिस ही गए हैं। और यहाँ पे पापा के ऑफिस के बाहर बैठे बैठे हम लोग यहाँ पे मोमोज पेल रहे हैं दबा के, वो भी देंगे लॉक करके गाड़ी, बिल्कुल किसी को कोई इश्यू नहीं देंगे भाई, हमारे आने से पहले सबने खा लिया यार, ये गलत बात है। और खा के भाग भी गए और मेरे से ऑनलाइन पेमेंट भी करा लिया। और इंतजार भी नहीं करा, मुझे लगा भाई यार पेमेंट करा रहे शायद मेरे लिए भी कुछ खरीदा होगा, साले खुद खा लिए और निकल लिए। बोलते दोस्तों इस आतंकवादी ने हमारा खाना छीन लिया है,
जैसे आप लोग देख सकते हैं। स्टीम डे के मेरे को भी दे। नहीं क्यों क्यों दे भाई, तो खा के आ गए ना तुम, नहीं खा के ओ तुमने ओ भाई, भाई एक ही लूंगा स्टीम डे एक ही लूंगा। भाई भाई खा चुके तुम, ओए 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 भाई एक ही सिर्फ एक सारे, तू तो बोल ही मत, दे दे एक रुद्र उसकी भाई काट दियो तो भाई ये नहीं दिलवाएगा भाई, ऐसे कर रहे ना आज भाई। और तुम खा के नहीं आएंगे यार, हम इतने से परेशान हो के आए हैं। कहां गए हमने, क्यों नहीं खाया भाई तुमने, झूठो। तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम्हारा वेट करते थे। अच्छा फिर मैंने जो पेटीएम में पैसे डाले वो किसी के डाले मैंने अल्ले खिला दे छोड़ छोड़ गरीबों के खिला दे यार। तो दोस्तों हमने BMW को तो अपने ऑफिस से उतार दिया है और अभी हम सब लोग आ गए हैं मेरे घर पे थार में बैठ के। तो आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया तरह से हम लोग आए हैं। दर्शन के गले में कुछ अटक गया जैसा आप देख सकते हैं, और ये अपना भाई रुद्र 2 जो है वहाँ पीछे कोने में छुपा है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो कौन कौन जा रहा है मेरे साथ में जल्दी बताओ यार। मैं चल रहा हूं। भाई जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। आप भी जा रहे हो, दर्शन भी जा रहे हैं। दर्शन की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है और रुद्र तू पता नहीं उसको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने लोग निकलने वाले हैं अभी थार से। ये अपने 2 लोग आ गए हैं। ओ भाई निकलो, निकल निकलना। ओ माय गॉड भाई तेरे बालों का रंग भूरा है। हाँ भाई मैंने अभी देखा, आज देखा। दोस्तों कौन बोलता है कि थार 4 सीटर गाड़ी है। अच्छा तो दोस्तों अब गाड़ी स्विच हो रही है, हम लोग थार से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे स्कॉर्पियो से। कुछ प्राइवेट बात करने, दोनों भाई कोने में चले गए। अच्छा अरे यार ये दोस्तों ये जैसा आप लोग देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी का ये निकल गया है और एक उस साइड की एक लाइट भी टूट गई है। रिफ्लेक्टर भाई लाइट नहीं रिफ्लेक्टर बोलते हैं इसको, ये वाला रिफ्लेक्टर भी टूट गया है तो इनका रिपेयरिंग कराएंगे। तो गाड़ी अब चेंज करेंगे मनसिया, स्कॉर्पियो से चलेंगे। अरे वाह। तो दोस्तों मैं तो ऊपर आ गया था अभी घर पे, मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, मैंने शॉर्ट्स वगैरह पहन लिए, एकदम कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए और फेस वॉश वगैरह कर लिया। तो काफी अब रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, काफी अब मेरे को मतलब चलने ऐसी हालत लग रही है, बहुत ज्यादा थक गया था अभी मैं, क्योंकि कल रात को भी हम लोग नहीं सोए थे, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग मस्ती कर रहे थे और काफी लेट सोए थे। तो कोई नहीं, अब मैं तुरंत नीचे चलता हूँ क्योंकि नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं एंड अपन लोग निकलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। आउंदा है सटारा विच नेम अजकल तेरे कर